व्हाट्स अप गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे गाइस। और बात करने वाले हैं इंडिया का टैलेंट सीजन 9 के 6th फरवरी के एपिसोड के बारे में गाइस। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस जो है देश के कोने कोने से हमें देखने को मिल रही है इंडिया का टैलेंट सीजन 9 के मंच पे गाइस। और आज चुने जाने हैं टॉप 14। साथ के साथ मैं बता दूं, 4th वीक चल रहा है, ऑडिशन ऑन चल रहे हैं और आज आखिरी हफ्ता है गाइस। तो सबसे पहली परफॉर्मेंस आती है अट्रैक्टिव स्टेपर्स की गाइस। रांची झारखंड के ये रहने वाले हैं और बहुत अमेजिंग इनका करियर है गाइस। डांस करने वाले हैं एक ब्रोप के साथ। तो प्रॉप इनका बहुत स्पेशल है, खुद हैंडमेड इनका प्रॉप है, पाइप से इन्होंने बनाया है और बहुत ही अमेजिंग कोरियोग्राफी थी और सिंक्रोनाइजेशंस भी इनकी बहुत अच्छी थी गाइस। जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज सैनोडेरा सॉन्ग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी का ये सॉन्ग, और बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस थी गाइस। और इस परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छे कमेंट्स जो हैं बादशाह की तरफ से मिलते हैं। तो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने भी हुनर सलाम जो है इस परफॉर्मेंस को दिया और इस परफॉर्मेंस को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है और हमारी तरफ से हाँ है ऐसा बोला जाता है। सभी अपना अपना कोई पर्सनल काम करते हैं, उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे कमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस को मिलते हैं किरण केर मैम की तरफ से गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं ब्रह्मपुत्र गुड़गांव हरियाणा के ये रहने वाले हैं और बहुत अमेजिंग ये डांस करने वाले हैं। डांस विद मार्शल आर्ट मयूर धनश्याम एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट की फॉर्म है जिसे वो करने वाले हैं। जो इनके लीड है वो ऋषि शर्मा, तो बताते हैं कि हम चाहते हैं इस फॉर्म को आगे और बढ़ाना। मयूर धनश्याम ये ताना जी की एक स्टोरी जो है इन्होंने अपनी स्टोरी लाइन में प्ले करी और जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा दैट वाज मल्हारी सॉन्ग फ्रॉम बाजीराव मस्तानी गाइस। बहुत अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी, जो इनका स्टाइल था स्वैग था बहुत ही अमेजिंग था। अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। स्टैंडिंग ओवेशन जो है हमारे पैनल की तरफ से मिलती है इनकी परफॉर्मेंस को और बहुत अच्छे कमेंट्स जो है किरण खेर मैम देते हैं। तो दूसरी तरफ मनोज सर ने भी बहुत ही अच्छे कमेंट्स इनकी परफॉर्मेंस को दिए। तो बेस्ट विशेस टू ब्रह्मपुत्र, देखना है कि आने वाले राउंड में वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्म में आते हैं सचिन नेमावत गाइस, राजकोट गुजरात के वो रहने वाले हैं और बहुत ही अमेजिंग ये परफॉर्मेंस करने वाले हैं। बॉडी बैलेंसिंग ऑन हैंड्स गाइस, और हाथों के ऊपर ये बॉडी बैलेंस करते हैं। सबसे पहले ये स्टेयर चढ़ते हैं जो बहुत अमेजिंग होते हैं गाइस, 10-12 स्टेयर जो है ये हाथों पे बैलेंस करके चढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, इनका हाथ भी टूटा है, इन्होंने बताया कि ये एक्ट करते करते मेरा हाथ भी टूटा था गाइस। उसके बाद वो एक लोहे की चेन के ऊपर चलते हैं जिसके नीचे आग लगी होती है गाइस। तो बहुत अमेजिंग ये एपिसोड था, बहुत अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। अगर आपने इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 का ये एपिसोड मिस किया हुआ है 6th फरवरी का, तो इसे आप सोनी लिप ऐप पे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो गाइस। और उसके बाद वो जो नीचे उतरते हैं स्टेज के, वो लोहे की बनी होती है, तो वो भी बहुत डरावना इनका एक्ट था। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बहुत ज़्यादा डरती हैं सचिन नेमावत के इस एक्ट से, लेकिन उन्होंने ये एक्ट किया और बहुत अच्छे कमेंट्स उनको मिलते हैं बाद की तरफ से और बहुत अप्रिशिएट उनकी परफॉर्मेंस को किया जाता है। और अगले राउंड के लिए हमारी तरफ से हाँ है ऐसा बोला जाता है सभी जजमेंट पैनल के। तो बेस्ट विशेस टू सचिन नेमावत, और देखना यह कि आने वाले एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं सुशील जायसवाल गाइस, जो कि दिल्ली से हैं और वो अपनी बहन श्रुति जायसवाल के साथ आते हैं और एक मैजिक करने वाले हैं गाइस। ब्लाइंड फोल्ड जो है अपनी बहन को वो करते हैं और जो उनकी बहन है वो मैजिक करेगी, मतलब कि वो मेंटलिस्ट हैं, आप दिमाग पढ़ना उनकी कला है गाइस। तो सबसे पहले वो बादशाह जी को पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई नोट है तो बताइए। तो बादशाह जी 200 का नोट निकालते हैं और जो उनकी बहन है उस पे लिखे नंबर 875254 को रीड कर लेती है, आंखों पे पट्टी बांध गए। तो ये बड़ा अमेजिंग टैलेंट हमें देखने को मिला इंडिया का टैलेंट के मंच पे गाइस। इतना ही नहीं, उसके बाद शिल्पा शेट्टी कुंद्रा से पूछा जाता है कि आप कुछ सोचो, मैं आपके माइंड को रीड करके बताऊंगी, तो वो शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के माइंड को भी रीड कर। तो ये बहुत अमेजिंग टैलेंट सुशील जायसवाल लेके आए हैं श्रुति जायसवाल के रूप में। तो बेस्ट विशेस टू देम और बोथ ऑफ देम कि वो अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं। तो देखना है कि आने वाले राउंड में वो क्या हमें डराने वाले हैं या और क्या क्या वो दिमाग में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत अच्छे कमेंट्स उनकी इस परफॉर्मेंस को मिलते हैं गाइस। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं जैली तामीन गाइस, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से वो आते हैं और वो एक सिंगर हैं गाइस, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग सिंगर हैं।
मेल फीमेल बोथ, मतलब दोनों गा लेते हैं, स्केल्स ऊपर नीचे वो कर लेते हैं, और हुनर सलाम उनकी इस परफॉर्मेंस को मिलता है गाइज। और जिस गाने के उन्होंने गाया दैट वाज द डर्टी पिक्चर का हुलाला गाइज। विद्या बालन को आपने डांस करते हुए देखा होगा इस गाने पे, लेकिन अगर आपने जैली तामिन को नहीं देखा परफॉर्म करते हुए तो आप सोनी लिप ऐप पे जाके जो है इस परफॉर्मेंस को देखिए। बहुत ही अमेजिंग प्रोफेशनल सिंगर जो है सोनी तामिन है, बहुत ही अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी। जिस तरह की वेशभूषा वो पहन के आए वो भी बड़ी अमेजिंग थी, और गाजर की हलवा जब उन्होंने कहा तो कॉमेडी पंचेस किरण खीर मैम की तरफ से बहुत अच्छे अच्छे निकले, और बहुत अच्छे कमेंट्स उनकी इस परफॉर्मेंस को मिले बादशाह की तरफ से और साथ ही के साथ हमारे बाकी जजमेंट पैनल की तरफ से। तो बेस्ट विशेज टू जैली की बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। देखना है कि आने वाले एपिसोड में वो क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट परफॉर्मर आते हैं रीता पौंडल एंड रेणु पौंडल हलवदा नेपाल से गाइज। नेपाल से रीता और रेणु पौंडल जो आई हुए हैं और ये एरियल ड्यू करने वाले हैं, और बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। सर्कस में ये काम करते हैं गाइज, और जिस गाने पे इन्होंने परफॉर्म करा वो था मेरे नाम तो गाइज, जीरो मूवी का ये गाना। अमेजिंग इनका बैलेंस था और टेक्निक्स इनकी बहुत अच्छी थी, जिस तरह से वो फ्लिप्स हवा में कर रहे थे बहुत ही अमेजिंग। तो बेस्ट विशेज टू बोथ ऑफ देम, वो सिलेक्ट हो जाते हैं अगले राउंड के लिए। जजमेंट पैनल बोल देता कि हमारी तरफ से हाँ है गाइज। बहुत सारी परफॉर्मेंस को इस हफ्ते हाँ बोला गया, लेकिन क्या टॉप 14 में उनकी जगह बनती है कि नहीं वो लास्ट में आपको बताऊंगा गाइज। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है मनोज सर की तरफ से दिए जाते हैं रीता और रेणु को, और रीता और रेणु की बहुत ही स्टोरी भी बहुत ही इमोशनल थी। बादशाह ने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए और बोला कि आपका भाई है, मतलब बादशाह इंडिया का टैलेंट में बहुत से लोगों का भाई बन गया है। तो बेस्ट विशेज टू बादशाह की इतनी सारी बहनें उसको मिल रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस आती है आदित्य मालविया की गाइज। भोपाल मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं, और बहुत ही अमेजिंग उनका डांस है गाइज। डांस तो है ही है, लेकिन उनका हॉरर डांस है। ब्रेकिंग वो करेंगे और बेख्याली सॉन्ग के ऊपर, कबीर सिंह मूवी का ये बहुत ही अच्छा गाना है, इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने टैलेंट दिखाया, बहुत ज़्यादा ड्राया भी, और जो ब्रेकिंग जिस तरीके से उन्होंने करी वो बहुत अमेजिंग थी गाइज। तो आदित्य मालविया भोपाल के रहने वाले, और उनको भी अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है। मतलब जितनी भी परफॉर्मेंसेज आज हुई हैं सबको शॉर्टलिस्टेड किया गया अगले राउंड के लिए, और आदित्य की परफॉर्मेंस डेफिनेटली बहुत अच्छी थी, बहुत ड्रावनी थी और बहुत ही ब्रेकिंग थी गाइज। आप देख सकते हो कि किरण खेर मैम ने अगर दुपट्टा सामने लिया तो इसका मतलब कि डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत ड्रावनी होगी, और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनकी थी। बेस्ट विशेज टू। उसके बाद आता है जीरो ग्रेविटी क्रू गाइज, और बहुत ही अमेजिंग क्रू है ये, मुंबई का ये क्रू है, और ये परफॉर्मेंस जिस गाने पे इन्होंने करी वो था जय जय शिव शंकर राजेश खन्ना जी का आगामी सॉन्ग था, और सभी राजेश खन्ना बन के आए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म करा, अमेजिंग कोरियोग्राफी, अमेजिंग फ्लिप्स मूव्स, जो कोऑर्डिनेशन थी पूरे ग्रुप की बहुत ही अमेजिंग थी गाइस, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस लेके आया है जीरो ग्रेविटी क्रू, और इस क्रू को भी शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है अगले राउंड के लिए गाइस। तो बेस्ट विशेज टू होल क्रू की बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है इंडिया गॉट टैलेंट के मंच पे गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऑल अबाउट रियलिटी शो इंडिया गॉट टैलेंट सीजन 9 की रेगुलर अपडेट के लिए गाइस, और साथ ही साथ अगर आप कोई भी एपिसोड मिस करते हो तो उसे आप देख सकते हो सोनी लिप ऐप के ऊपर गाइस। तो बेस्ट विशेज टू जीरो ग्रेविटी क्रू की, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखे गाइस। उसके बाद स्टंट यार्ड में पहुंचा था हमारा जजमेंट पैनल, और हमारा जजमेंट पैनल आया है जज करने नगली परफॉर्मेंस को, और अगला क्रू जो है जमुना सर्कस का गाइस, और जमुना सर्कस के ये 6-7 मेंबर हैं जो एक परफॉर्म करने वाले हैं, लाइव सर्कस दिखाने वाले हैं। अर्जुन बिजलानी कहते हैं कि मैंने पहले सर्कस ऐसे लाइव नहीं देखी, बादशाह भी कहते हैं कि मैंने सर्कस नहीं देखी अपनी जिंदगी में, तो आज उनको ये सर्कस देखने को मिल रही है, और बहुत ही अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। दिल ना दिया सॉन्ग के ऊपर इधर से उधर वो फ्लिप कर रहे हैं तारों के ऊपर, और ऊपर से नीचे कैसे वो हैंड बैलेंसिंग कर रहे हैं, तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस जमुना सर्कस की तरफ से थी, और उनको भी अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है कि आपको हाँ है गाइस। तो लेकिन टॉप 14 की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि टॉप 14 कौन कौन से हैं, और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनमें से कुछ एक कंटेस्टेंट को वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो है री एंट्री मिलेगी गाइस। तो बेस्ट विशेज टू जमुना सर्कस, और इनको हाँ जो है बोल दिया जाता है जजमेंट पैनल से। तो मैं टॉप 14 की लिस्ट आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्रेजी हॉपर्स गाइस, टॉप 14 में उनकी जगह
जगह जो है बन चुकी है। सेकंड परफॉर्मर है वैरियर वर्कआउट वैरियर्स गाइज, उनकी भी टॉप 14 में जगह बन चुकी है। थर्ड की बात करूँ तो थर्ड है डेमोलिशंस क्रू और उनकी जगह टॉप 14 में बन चुकी है। उसके बाद दिव्यांश एंड मनुराज गाइज, उनको भी टॉप 14 में उनकी जगह बन चुकी है। नेक्स्ट इज साथी दे, फर्स्ट उनकी परफॉर्मेंस थी, इंडिया गॉट टैलेंट का आगाज यहाँ से हुआ था तो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है हो चुकी है। बॉम्ब फाइट क्रू बहुत ही अच्छा क्रू डाली से था, उनको भी टॉप 14 में ले लिया गया गाइज। नेक्स्ट वन इज नितिश भारती, सैंड आर्टिस्ट हैं, उनको भी टॉप 14 में ले लिया है। इन सभी को गोल्डन बजर आई थिंक मिले थे गाइज। इशिता विश्वकर्मा, बहुत ही शानदार सिंगिंग इनकी थी और इनको टॉप 14 में ले लिया गया। नेक्स्ट वन इज यूफनी, मुंबई महाराष्ट्र से, बादशाह ने इनको रेकमेंड करा था टॉप 14 के लिए। नेक्स्ट इज वर्कआउट वैरियर गाइज, उनको भी टॉप 14 के लिए ले लिया गया, गुरुग्राम के ये रहने वाले हैं। और नेक्स्ट वन इज मेरे फेवरेट VS रेड्डी विश्व खा पटनम आंध्र प्रदेश के हैं, टॉप 14 में इनकी भी जगह बन चुकी है। नेक्स्ट वन इज वैट सालसा 2.0 कोलकाता वेस्ट बंगाल से, टॉप 14 में इनको भी ले लिया गया है गाइस। बहुत अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंस थी। सूफी निजामी ब्रदर फ्रॉम न्यू दिल्ली, उनको भी टॉप 14 में ले लिया। और लास्ट वन इज ऋषवा चतुर्वेदी अमृतसर पंजाब से, उनको टॉप 14 में ले लिया है। तो गाइस ये टॉप 14 की लिस्ट है, बाकी के कुछ एक जो कंटेस्टेड हैं वो आ सकते हैं वाइट कार्ड एंट्री में गाइस। तो इंडिया गॉट टैलेंट की ऐसी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखना नहीं भूलिए इंडिया गॉट टैलेंट के आने वाले एपिसोड एवरी सैटरडे संडे 8 PM ऑन योर सोनी टेलीविजन। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।